हेलो गाइस, तो आप सबको बता दूं कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड जो कि आज T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेकेंड सेमीफाइनल खेला गया था, वहां इंडिया हार चुकी है और इसी हार के साथ इंडिया घर वापस आएगी। इस तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस हार का टीम कौन से प्लेयर जिम्मेदार है, किसके कारण यह मैच आया, कैसे आ, इन सब के बारे में बात करने वाला हूं। गाइस, अगर आप यहां नया है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। गाइस, तो आपको बता दूं कि जोस बटलर ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसाइड किया, जो कि एक सही निर्णय साबित हुआ। गाइस, तो आपको बता दूं कि केएल राहुल 5 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गया था। दूसरी ओर रोहित शर्मा भी 28 गेंदों में 27, फिर सूर्य कुमार यादव जो कि 10 गेंदों में 14 रन बनाए। गाइस, तो ये मैच हारने के यही 3 प्लेयर जिम्मेदार है, क्योंकि सारा जिम्मेदारी इन्हें लेना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है रोहित शर्मा, क्योंकि वो कैप्टन और कैप्टन फ्रंट से लीड करते हैं, न कि इस तरह के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाएंगे। गाइस, क्योंकि यह पीछे 210 वाले स्कोर वाले 20 ओवर में डिपेंड होने वाला था, जबकि 28 गेंदों में 27 रन जो कि पावर प्ले में काफी स्लो शुरुआत हुई। तरह की शुरुआत से क्या मिलेगा, टीम इंडिया को 6 ओवर में कम से कम 60 रन बनाना चाहिए, जहां 36 रन जड़े थे। दूसरी तरफ केएल राहुल, न रोहित शर्मा की फॉर्म अच्छा चले और केएल राहुल का भी तो सेम हाल है, 3-4-5 मैचों में रन ही नहीं बनाया, वो भी मतलब जो भी रन बनाया वो कमजोर टीम के खिलाफ ही रन बनाए हैं। और सूर्य कुमार यादव का भी सेम हाल रहा है, वो एक मैच सिर्फ छोड़ दिया था साउथ अफ्रीका का, छोड़कर किसी भी मैच में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं, बाकी मैच में तो अच्छे परफॉर्मेंस थे लेकिन कमजोर टीम थी, कमजोर टीम के खिलाफ तो वो जैसे चाहे वैसे शॉट मार देते हैं। सूर्य कुमार का भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ से सीखेंगे कि वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। गाइस, तो आपको बता दें कि विराट कोहली जिन्होंने 40 गेंदों में 50 रन एक शानदार पारी खेली। विराट कोहली अपने जिस तरह के बल्लेबाज, वो उसी तरह से बैटिंग करते हैं और हर रोज वैसे ही बैटिंग करके जाते हैं, इसलिए विराट कोहली को आप स्लो बैट्समैन नहीं कह सकते। और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, क्या बल्लेबाजी की है बंदा ने, 33 गेंदों में 63 रन एक शानदार पारी खेली, 4 चौके और 5 गेंदों में 4 छक्के लगाए और स्ट्राइक रेट 190 का रहा, लगभग काफी खतरनाक बल्लेबाज। इसी की वजह से टीम इंडिया ने 168 का टारगेट दे दिया, जो कि 169 रन चेस करने थे, और इस स्कोर को इंग्लैंड ने ऐसे चेस किया जैसे मानो एक गली क्रिकेट हो रहा है, जिसमें एक ने 49 गेंदों में 80 रन बना डाले, 47 गेंदों में 86 रन, एक भी विकेट टीम इंडिया नहीं ले पाई। अब इसका रीजन क्या है कि पावर प्ले में तो मतलब एक भी विकेट गिरा नहीं इंडिया की तरफ से, कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था जो एक भी विकेट ले सके। गाइस, तो साथ में यह भी बता दूं कि जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने 170 रनों का 16 ओवर में पार्टनरशिप कर दिया, जो कि वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप हो गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से पिटाई किया गया, बहुत ही ब्रूचुअली पिटाई किया गया बॉलर्स को। ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि 200 प्लस रहता तो विकेट शायद मिल जाता, ऊपर से फील्डिंग भी कोई खास नहीं हुआ इंडिया की तरफ। शायद इसमें सेकेंड इनिंग में कुछ बताने को ही नहीं, क्योंकि इंडिया ने इतना गंदा बॉलिंग किया, सारे बॉलर पिटाए। गाइज, इंग्लैंड अच्छा खेली लेकिन इंडिया उससे भी बुरा बॉलिंग की है। तो गाइज, कैसा लगे ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट में बताएं कि किसकी वजह से आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो